बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। अभी इस वीडियो में हम सेवन्थ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, चैप्टर नंबर वन, क्लास नाइन्थ फिजिक्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। सेवन्थ न्यूमेरिकल जो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं, इसमें हमें कहा यह गया है कि अ स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। जो हमने लेसन में पढ़ा था स्क्रू गेज, उसमें 100 डिवीजन्स बताई गई थी। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सारा वही टॉपिक वाला प्रोसेस जो है वो स्टेप्स ही रिपीट करेंगे हम। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर, वहाँ थी 0.1 मिलीमीटर। व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट क्या है, ठीक है, ये हमने बताना है। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो हम यहाँ लिखेंगे कि इसमें जो सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स है वो कितनी हैं, ठीक है जी। तो यहाँ हम लिखेंगे सर्कुलर स्केल डिवीजन्स या डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल डिवीजन्स ये इक्वल आएगा बेटे हमारे पास 50 के, ठीक है। और इसमें पिच क्या है वो आ जाएगा जी हमारे पास, पिच है 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। और इसके बाद इसका लीस्ट काउंट हमने फाइंड करना है, तो लीस्ट काउंट के लिए हम यहाँ लिख देते हैं जी लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी हमने ये फाइंड करना है। अब अगर आप स्क्रू गेज वाले टॉपिक में जाके देखेंगे तो आपको फार्मूला मिलेगा कि जो लीस्ट काउंट होता है इसको हम एल सी लिख देते हैं, ठीक है। लीस्ट काउंट का फार्मूला इक्वल होता है बेटे पिच अपॉन डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे पिच क्या है हमारे पास 0.5 और ये है मीटर अपॉन ये 0.5 मिलीमीटर है, ये इधर भी मिलीमीटर राइट करेंगे हम, 0.5 मिलीमीटर अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन 50। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, इसमें इसको जब डिवाइड करेंगे 0.5 को 50 पे तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रीफिक्स है और इसको हम लिख सकते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको चेंज करके, जो मिली प्रीफिक्स होती है वो होता है 10^-3 के, तो लिखेंगे इसको 0.01 मल्टीप्लाई 10^-3 मीटर, ठीक है। और इसको हम इसलिए चेंज कर रहे हैं, ये तो प्रीफिक्स है और मीटर को फिर सेंटीमीटर में चेंज करना है ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 है तो ये पॉइंट लेफ्ट साइड पे जाएगा और 3 डिजिट, तो इसको लिखेंगे हम 0.000 फिर 0 फिर 1 आएगा और ये आ जाएगा मीटर, यानी -3 का मतलब पॉइंट जहाँ है यहाँ से और 3 डिजिट, यानी इधर था यहाँ से और हमने 3 जीरोज इसमें राइट कर दिए। अच्छा, अब मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, मीटर ए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो लिखेंगे 0.00001 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। अब 2 जीरोज हैं, इसका मतलब कि इसको 2 टाइम्स हम राइट साइड पे ले आएंगे पॉइंट को, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 0.001 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। ये इस क्वेश्चन का, इस न्यूमेरिकल का आंसर है, यानी इसका लीस्ट काउंट है ये। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा, किसी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।